हर साल की तरह इस साल भी सरकार और जिला ग्रंथालय की ओर से ग्रंथ महोत्सव का आयोजन किया गया है। शुक्रवार से शुरू हुए इस ग्रंथ महोत्सव की शुरुआत ग्रंथों की शोभा यात्रा के साथ की गई। शहर के बहनाबाई बगीचे से इस शोभा यात्रा की शुरुआत की गई, जहां पर जिलाधिकारी किशोर राजे, विधायक राजू मामा भोड़े ने शोभा यात्रा में स्वयं पालकी उठाकर लोगों को उत्साहित किया। लेवा बोर्डिंग में 3 दिनों तक चलने वाले इस ग्रंथ महोत्सव में उपस्थिति का आह्वान अधिकारियों ने किया है। महाराष्ट्र सांस्कृतिक धोरण 2010 अंतर्गत ग्रंथालय संचालनालय महाराष्ट्र मुंबई व जिल्हा ग्रंथालयाधिकारी कार्यालय जळगाव यांच्यातर्फे दरवर्षी ग्रंथोत्सव साजरा करण्यात येतो। यामागचा उद्देश हाच कि आपल्या देशातील व राज्यातील कला व संस्कृती जोपासण्यासाठी व वाचक चळवळ वृद्धिंगत करणे हा एक मुख्य उद्देश आहे। व या 2 दिवसाच्या कार्यक्रमात ग्रंथोत्सवात कवी संमेलन परिसंवाद, ज्यामुळे वाचन संस्कृती वृद्धिंगत होईल याबद्दलचे परिसंवाद आयोजित करण्यात येतात। यामध्ये संदर्भ ग्रंथ, सामाजिक ग्रंथ, चरित्र, कथा, कादंबरी, नाटक, कृषी, पर्यावरण, अभियांत्रिकी, शालेय विद्यार्थी यांच्यासाठी उपयुक्त असे दर्जेदार ग्रंथ दत्तग्रंथ करण्यात आलेला आहे।